भाई एक तरफ है बीके अकेडमी और दूसरी तरफ है जेडी अकेडमी। भेड़िया खेड़ा टूर्नामेंट का थ्री टैकल देखने मिला है जेडी अकेडमी की तरफ से। भाई इस टूर्नामेंट की खासियत बताता हूँ मैं आपको, सिंगल पॉइंट टूर्नामेंट है। अर्जुन छह नंबर जर्सी में जेडी अकेडमी की तरफ से। नियम की बात बताऊं तो कोई खिलाड़ी आउट नहीं दिया जाएगा किसी खिलाड़ी को। अच्छी कोशिश लेकिन नाकामयाब रहे और रेड पॉइंट मिला। अमन देखे 2-0 का बीके की तरफ से, जेडी अकेडमी 2। भाई 2-0 स्कोर है, खाता खुला बाकी है बीके अकेडमी का और दो एक ही रेड में। भाई खिलाड़ी आउट हो गया तो पॉइंट मिला। एक तरफ जेडी अकेडमी तो दूसरी तरफ भैया भाई रेडर सेफ है। चलो भैया मैच की शुरुआत करो। एक पैर दर्शक के सभी से इंतजार में है भैया, फाइनल आज ही होगा। बस सिंगल पॉइंट गेम है। कमाल की बल्टी रेल की भैया। भाई स्कोर की बात करो तो 3-2 मेरठ के खिलाड़ी का चोट लग गई है। जेडी अकेडमी 1 पॉइंट लीड में है। बहुत जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि सिंगल पॉइंट मुकाबला है और भाई जो टीम 3-4 पॉइंट की लीड ले जाएगी और ये वापस वो टीम भाई बहुत बनाएगी। भैया अगली दोनों ही टीमें जल्द से जल्द मैदान पर आए। भैया समय नहीं दिया जाएगा किसी को। फाइनल आज ही होगी। पर्ची देते भैया अमर क्या बात है। भैया पॉइंट मिला मेरा बराबर मेरा टीम भिड़िया खेड़ा के ग्राउंड पर ककराला और बीके अकेडमी भी जल्द से जल्द मैदान पर पहुंचे। भैया कोई समय नहीं दिया जाएगा दोनों टीमों को। अच्छी रेड नोएडा की तरफ से और खाली अपने पाले में वापस भाई पर वहां से भैया गुलवीर भाई प्रो कबड्डी प्लेयर है। मेरठ के खिलाड़ी नोएडा के मैदान में 3-3 के स्कोर पर और स्कोर अभी भी 3-3 से बराबर है। बस सिंगल पॉइंट गेम है, लोना फॉर्मेट नहीं है। और भाई दोनों टीमों से अपील है मुकाबला एक बार फिर स्टार्ट होता है। डूब रहा है नोएडा की तरफ से मेरठ के मैदान में दो टाइम पर पहुंच ही सकता अर्जुन बेहतरीन प्लेयर है, कमाल का खिलाड़ी बेहतरीन रेड डोर डाई रेड पर खेल रहे हैं नोएडा के खिलाड़ी। और ये पॉइंट मिला मेरा कमाल की मेरठ 4 नोएडा 3 और बेहतरीन स्किल देखने को मिली रौनक की तरफ से। और मेरठ के खिलाड़ी नोएडा के मैदान में बीके अकेडमी समर लीड में और पॉइंट मिला मेरा कमाल की जंप मेरठ 5 खिलाड़ी मेरठ के मैदान में। एक समय 3-1 स्कोर था, 2 पॉइंट की लीड में जेडी अकेडमी थी लेकिन इस समय लीड में बहुत ही अच्छा खेल रहा अकेडमी मेरठ। बहुत ही कसा कसी का भैया उसके आगे मत जा माइक लेकर। ठीक है स्कोर हुई 5 मिनट का समय से मध्यांतर में मेरठ के खिलाड़ी या नोएडा के टीमों को कोई समय नहीं दिया जाएगा। ककराला और बीके अकेडमी भी सिंगल पॉइंट गेम है और क्या नोएडा 4 मेरठ 5 4-5 के स्कोर पर और लीड 1 पॉइंट और घटती हुई। स्कोर की बात करें तो 4-5 स्कोर है। पिछली बार अर्जुन को निशाना बनाया था, क्या इस बार अर्जुन कामयाब होंगे।
बहुत ही सुंदर रैट लगातार टाइम लेने के पहले और बेहतरीन टैकल, कमाल का टैकल, बेहतरीन जबरदस्त गेम देखने को लाया दोनों का बराबर स्कोर टीमों की तरफ से। ओ भैया पॉइंट में गुंजाइश हो रही है, पॉइंट मिला था मेरठ को, गुलवीर कामयाब भाई। प्रेम स्कोर की अगर बात करें तो 7-4 स्कोर है और लीड इस समय बीके एकेडमी के पक्ष में। अर्जुन वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं, सिंगल रेडर के तौर पर खिलाड़ी नोएडा के मैदान में। अमन राणा स्कोर 8-4 हो गया, लीड 4 पॉइंट की आ गई। मेरठ के खिलाड़ी नोएडा के मैदान में बेहतरीन रेड, बहुत ही सुंदर रेड और पूरी कोशिश कर रहे हैं पॉइंट लेने की। और पॉइंट मिला मेरठ का जेडी एकेडमी शुरू में मुकाबले, और अब नोएडा के खिलाड़ी मेरठ के मैदान में लगातार 2 पॉइंट लगातार बनाए, 9-4 के स्कोर पर। लेकिन उसके बाद पछड़ती हुई थी नोएडा के खिलाड़ी मेरठ के मैदान में, स्कोर अभी भी 9-4। बहुत ही सुंदर रेड और पूरी कोशिश कर रहे हैं पॉइंट लेने की। 5 मिनट का समय से इस मध्यांतर में भैया दोनों ही टीमें जल्द से जल्द पहुंचे। ककराला और बीके एकेडमी भी कोई मैच नहीं रुकेगा और मेरठ के खिलाड़ी नोएडा के मैदान में, नोएडा 9 और मेरठ 4। अमन ने भाई काफी प्रभावित किया इसमें, भैया अगली टीम तैयार रहे, लगातार रनिंग है, किसी भी टीम को कोई समय नहीं। 9-4 के स्कोर पर मेरठ के खिलाड़ी नोएडा के मैदान में। बहुत ही सुंदर रेड फुर्ती के साथ रेड देते हैं, लगातार पॉइंट लेने का प्रयास। पॉइंट मिला नोएडा, भैया टाइम का ध्यान रखे खिलाड़ी। और ये नोएडा एक खिलाड़ी मेरठ के मैदान में, मेरठ के पॉइंट हुए हैं 9 और नोएडा 5। बेहतरीन रेड, लगातार पॉइंट लेने की कोशिश। अर्जुन की बात करें या अमन की बात करें, ओ भाई बहुत ही सुंदर है मेरठ, मेरठ का बढ़कर स्कोर हो गया है 10-5 10। और अब मेरठ के खिलाड़ी नोएडा के मैदान में, बहुत लंबा हैंड टच की प्रयास, लगातार पॉइंट लेने की कोशिश में उन्होंने पॉइंट लेने और कामयाबी मिलती है रेडर को। मेरठ का बढ़कर स्कोर हो गया 11, नोएडा 5। टैकल करने का प्रयास 11 और 5। मध्यांतर में 3 मिनट से भैया दोनों ही टीमें जल्द से जल्द मैदान पे पहुंचे, भैया कोई समय नहीं दिया जाएगा और फाइनल आज ही होगा नोएडा के खिलाड़ी की। भैया लगातार पैन लेने के प्रयास में, कवच कवच की सुंदर आवाज सिंगल और खाली गेम है, किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया जाएगा टच के बाद। 11-5 टोटल 7 का डिफेंस रहता है इस गेम में। बहुत ही सुंदर खेल भाई का, 5-11 6 पॉइंट का अंतर। क्या जेडी ककराला और बीके एकेडमी बी और पॉइंट आने को मुझे ककराला मुझे पकड़ा मेरा अब आने का फिर ककराला मुझे पकड़ा और बीके एकेडमी भी और हो गया है बढ़कर 12 और नोएडा 5। दोनों ही टीमें जल्द से जल्द तैयार हो जाए भैया, आगे पीछे बैठ जाए, अंतर 7 पॉइंट का हो गया और भैया पकड़ लग गए और पॉइंट मिला मेरठ का 5। मध्यांतर में 1 मिनट से और अब मेरठ के खिलाड़ी नोएडा के मैदान में, बहुत ही अच्छे रेडर हैं अपनी टीम के भाई। जब से अमन रेड में आए हैं अमन ने डिफेंस को झकझोर के रख दिया है, न रेडर कामयाब हुए हैं न डिफेंस में पॉइंट मिला है जेडी एकेडमी। ओ भाई बहुत ही लंबा हैंड टच का प्रयास, लेकिन धीरे धीरे कदमों से अपनी मैदान की ओर बढ़ रहे हैं। हाफ टाइम के लास्ट रेड पास दे रहे
8 पॉइंट का अंदर और वशिंगटन पॉइंट में 8 पॉइंट का अंतर, बहुत बड़ा अंतर। ककराला मुजफ्फरनगर और बीके अकेडमी भी जल्द से जल्द मैदान पे पहुंचे भैया, क्योंकि यहाँ ऑल आउट के पॉइंट नहीं मिलते, बोनस के पॉइंट नहीं। बोनस लाइन मैदान में लगातार हैंड टच टू टच का प्रयास करते हुए, और लास्ट रेड है भैया तो लास्ट रेड की तरफ से मेरठ 13 नोएडा 5। मध्यांतर की लास्ट रेड बेहतरीन रेड मेरठ के खिलाड़ी की, नोएडा के मेरठ का बढ़कर स्कोर हुआ 14 और नोएडा 5। 9 पॉइंट का अंतर भैया, दोनों टीमें जल्द से जल्द मैदान में पहुंचे। ककराला मुझे पहली बैट मध्यांतर के बाद स्टार्ट होता हुआ मध्यांतर के बाद से मेरठ का स्कोर है 14 और नोएडा 5। 14-5 भैया, दोनों टीमें जल्द से जल्द मैदान पे आ जाए भैया, कोई समय नहीं दिया जाएगा दोनों टीमों को। सही बात है भाई, अगली टीम तैयार रहे और पॉइंट मिला मेरठ। मेरठ का बढ़कर स्कोर 15, नोएडा 5 पे रुक दिया 15। काफी समय से नोएडा का स्कोर 5। नोएडा के खिलाड़ी मेरठ के मैदान में पॉइंट लेने की पूरी कोशिश हो रही है और धक्के लग गए, पॉइंट नहीं ले जा पाए। पॉइंट मिला मेरा मैफरी का निर्णय 16 नोएडा 5। धीरे धीरे मुकाबला मेरठ के खिलाड़ी नोएडा के मैदान में बहुत ही सुंदर कबड्डी, बहुत ही लंबे खिलाड़ी है। बहुत ही फुर्ती के साथ अपने पाले में वापस चले हैं नोएडा के खिलाड़ी मेरठ के ग्राउंड में। भैया चले हैं नोएडा के खिलाड़ी मेरठ के मैदान में, और काफी अंदर तक पॉइंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरठ की भैया ककराला मुजफ्फरनगर और बीके अकेडमी भी जल्द से जल्द मैदान पे आए। खिलाड़ी नोएडा के मैदान में पूरी तरह से मुकाबला बेजान हो गया है, क्योंकि जिस तरह से मुकाबला जेडीएस शुरू में दिखाया था वो एकदम नहीं देखने को मिला है। और 5 और काफी अंदर तक कोशिश कर रहे हैं पॉइंट लेने की, और पॉइंट लेने में कामयाब। सुपर किक पॉइंट मिला मेरठ, मेरठ का बढ़कर स्कोर हुआ है 17, स्कोर 5 पर ही रुका हुआ है। 17-5 के स्कोर पर नोएडा के खिलाड़ी मेरठ के मैदान, देखते हैं नोएडा वापसी कर पाती है या नहीं। और अपनी तरफ से अधिकांश रेड यही रेड दे रहे हैं, पूरी कोशिश पॉइंट लेने की लगातार टॉप टच का प्रयास। जिसने पिछली बार किक लगाई थी भैया, टाइम कितना बचा है शुभम भाई? टाइम भाई 5 समय बता दे रेफरी, 3.5 मिनट का समय बचा है भैया। ककराला मुजफ्फरनगर और बीके अकेडमी भी जल्द से जल्द मैदान पर पहुंचे। मेरठ के खिलाड़ी क्योंकि इनके टू और टाई रेड नोएडा की तरफ से रेड आ रही है, नोएडा की टीम के पूरी कोशिश कर रहे हैं पॉइंट लेने की, बहुत ही सुंदर है। और ये 5 पॉइंट इन्होंने, बहुत ही सुंदर मैच, पूरी कोशिश। अब बहुत ही भैया पॉइंट मिला मेरठ, समय टाइम होने टाइम 18-5 भैया, 5 से स्कोर का डाल भैया समय और जल्द से जल्द मैदान पहुंचे भाई।